पिछली सदी में जब ब्रिटिश फौजें हिंदुस्तान का कोना कोना इंग्लैंड के रानी के हुकूमत के नीचे लाने के लिए जुटी हुई थी और जब विदेशियों की तहजीब हिंदुस्तानियों के जीवन में प्रवेश करने लगी। साहब बहादुर, कौन है ये भिखारी? भिखारी? भिखारी नहीं हूँ साहब, नजर बनी रहे आपकी। तब कौन तुम? राजा, नवाब? मैं राजा और नवाबों की निशानी हूँ। मैं लोक कवि हूँ, शायर हूँ। घर में मेरी बूढ़ी बीवी बहुत बीमार है, मुझसे कोई गीत सुन लीजिए और मुझे कुछ इनाम दे दीजिए। क्या हालत हो गई है बेचारे की इस बुढ़ापे में? इसी नौरंग ने अपनी जवानी में ठकुरायत में धूम मचा रखी थी। इसी नौरंग ने अपनी जवानी में ठकुरायत में धूम मचा रखी थी। जवानी में। अन्नदाता, यही वो कवि नौरंग है जिन्होंने होली के गाने में रंग भरा। वाह 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 वाह, आज हमें एक नया कलाकार मिला, हम बहुत खुश हुए। हम तुम्हारी कला को अपने दरबार की शोभा समझते हैं। आज से हम तुम्हें राजकवि का खिताब देते हैं। जनार्दन जी, लाओ ये सरूपा। ये क्या? ये दरबारी तोहीन है, किसी हुजूर के मौजूदगी में किसी गैर की ताजीम की जाए। अन्नदाता, ये मेरे पिता हैं। अच्छा, तो जनार्दन जी ये तुम्हारे सुपुत्र हैं? धन्य है इनके माता पिता। जनार्दन जी, तुम्हारे सुपुत्र ने हमारी नजर में तुम्हारी और दुनिया की नजर में हमारी ठकुराइत की इज्जत बढ़ाई है। आओ आओ राजकवि। महाराज सरन सिंह, दीवान दौलत राय और सरदार, हम लोग इस मुल्क पर कब्जा करने के लिए न आए। हम ये जाहिर करने चाहते हैं कि हम आप पर अपने मन की माफिक हुकूमत करने के लिए, जुल्म करने के लिए हुक्मशाह यानी डिक्टेटर बनकर यहाँ नहीं आए हैं, डिक्टेटर, बल्कि हम आपका दोस्त बनकर यहाँ आए हैं। रंग दे